नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दूसरों के घर में झांकने वाले पाक के वजीर आजम इमरान खान जरा अपने घर में भी नजर दौड़ा लेते तो आज जो कुछ भी हुआ शायद वो नहीं होता। अभी थोड़ा ही समय बीता था, पाकिस्तान ने अपने सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मरीन ड्राइव पर जिन्ना की एक बड़ी प्रतिमा लगाई थी, लेकिन अफसोस जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया गया। वही जिन्ना जिनको पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, और अब उसी पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति के साथ इस तरह की हरकत की गई जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन पाक पीएम इमरान खान खामोश है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के ग्वादर शहर में रविवार यानी कि 26 सितंबर को बलूच विद्रोहियों ने अचानक से विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, मरीन ड्राइव पर लगी पाक संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा भी उस जद में आ गई और बलूचियों ने उसे निशाना बनाते हुए बम से उड़ा दिया। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी भी बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली। वही पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले मरीन ड्राइव पर जून में स्थापित की गई प्रतिमा को रविवार की सुबह बलूच विद्रोहियों ने विस्फोटकों से उड़ा दिया। इस विस्फोट में मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। वही इस घटना पर पाकिस्तान के पूर्व मेजर अब्दुल कबीर खान ने कहा कि सभी विद्रोही पर्यटकों के रूप में क्षेत्र में प्रवेश किए थे और विस्फोटक लगाकर जिन्ना की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एक दो दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जिन्ना की चीजों को इस कदर निशाना बनाया गया। साल 2013 में बलूच विद्रोहियों ने जिन्ना की पुरानी इमारत को निशाना बनाया था और फिर उसे विस्फोट कर उड़ा दिया। जैसे ही इमारत में विस्फोट हुई वैसे ही भीषण आग लग गई जो लगभग 4 घंटे तक धधकती रही। खैर, इस घटना से आप समझ ही सकते हैं कि इमरान खान के राज में पाक संस्थापक जिन्ना की पाकिस्तान में क्या हैसियत है।